दीपावली के दिन भी रिव्यू करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे कि सर मैं तो मेरा तो फास्टिंग है पता है आज मेरा फास्टिंग है सर क्योंकि सर बंगाली ट्रेडिशन में तो सर फास्टिंग करके फिर हमको पुष्पांजलि लेना होता है ना रात के बारह बजे के बाद सो ट्वेंटी फोर आवर्स के ऊपर फास्टिंग चलेगा सर एंड ऑल्सो इन दी अदर सेक्शंस ऑफ द कंट्री ऑल्सो पीपल सेलिब्रेट इन अ वेरी डिफरेंट वे इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वराइटीज एंड डिफरेंस ऑफ राइट तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं भैया फास्टिंग तो मेरा भी है तो फास्टिंग तो हमारा भी है लेकिन मैं भी पढ़ा रहा हूं आपको तो आप लोग टेंशन ना ले भाई पढ़ाई में जादू रहेगा जादू क्या रहेगा जादू तो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का वीकनेस फील नहीं होगा यू विल फील लाइक अरे भाई मज़ा आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई मेरे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दूं यार ये दस मार्क जो है ना ये मैं आज आपको गिफ्ट में देने वाला हूँ सच्ची में बता रहा हूँ दस मार्क गिफ्ट में दूंगा अगर आपने थोड़ी देर मन लगा के इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो भाई मैं ट्रस्ट मी पूरा मजा आ जाएगा आपको एकदम मजा आ जाएगा ठीक है दस मार्क आपके हाथ में रहेगा आपको पढ़ना नहीं होगा यहीं पे आप लर्न करके रिवाइज भी कर पाओगे समझ में आ रहा है आपके दिल और दिमाग में बैठ जाएगा सब कुछ तो इसी के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का ब्यूटिफुल टॉपिक जो कि है चैप्टर ट्वेंटी वन दैट इज लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज तो भाई मेरी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं जरूर बता दूं वीडियो को लाइक जरूर कर दो अभी के अभी थैंक यू सो मच लेट्स गो लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज अच्छा तो सबसे पहले चैप्टर ये हम यही करने वाले हैं ये क्या है मैं एक बेसिक सा बैकग्राउंड दे देता हूँ सो दैट जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है ये लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज उनको पता लग जाए मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ऐसे किया दस मार्क के छोड़ के चले जाए तीन चैप्टर दस मार्क के लिए छोड़ देते लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ बाकी जो के जो ऊपर के जो चैप्टर्स है ना जान निकल जाएगा आपका मार्क्स स्कोर करने में लेकिन यहाँ पे अगर आपको थोड़ा थोड़ा कंटेंट है ज्यादा कंटेंट भी नहीं है ये अगर आप याद कर लिए तो मजा आ जाएगा इसका नोट्स जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना है शाम तक नोट्स अवेलेबल हो जाएगा ठीक है मेगा फार्म्स का भी नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स लिखा है वो भी मैंने आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे तो आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज क्या बताइए ना लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है कि देखो ये जो कंपनी ये सेक्रेटरीज है इनको गवर्न करने, करने के लिए गवर्न करने के लिए गवर्न करने के लिए कोई फ्रेमवर्क तो चाहिए होगा ना कि यार ये कंपनी सेक्रेटरी सही काम कर रहे हैं कि नहीं ये कैसे पता लगेगा और अगर गलत काम कर रहे तो पनिश कौन करेगा पुलिस करेगा हाँ पुलिस तो करेगा हाँ जी अरे यार इंडिया का लॉ जो है वो तो करेगा लेकिन केस ऑफ इन क्रिमिनल केसेस राइट लेकिन उसके अलावा भी एक कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स के अंदर रह के काम करना पड़ता है तो वो सारे लीगल फ्रेमवर्क्स यहाँ पे मैं बताऊँगा फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूँ कि यार अगर आप आलू बेच रहे हो ठेले में ठेला लगा के तो एट दैट सेम टाइम यू कॉन्ट बी ए कंपनी सेक्रेटरी ठीक है ये सीधा बात नो बकवास तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया ये यहाँ पर है सीधा बात है ये यहाँ पर है लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा जैसे आपको पता है कि यार अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं तो आप एडवर्टीज़मेंट नहीं कर सकते कि यार मैं कंपनी सेक्रेटरी आप कभी देखे हो कि यार न्यूज़पेपर में निकल रहा निकला हुआ है हाँ जी कि यार ये कंपनी सेक्रेटरी जो है वी प्रोवाइड दिस सर्विसेज एंड दैट सर्विसेज न्यूज़पेपर में रेडियो में टेलीविजन में ये ये सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं नहीं नहीं ऐसा आप कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि भैया आप प्रोमोट नहीं कर सकते आपके प्रोफेशन को प्रोमोट इन अ सेंस कि एडवर्टीज़ नहीं कर सकते एडवर्टीजमेंट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल ठीक है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना होगा बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द ब्राइटेस्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड यूर गोइंग टू बी ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल कंपनी सेक्रेटरी राइट सो हम लोग शुरू करते हैं कंसेप्ट नंबर वन के साथ ठीक है तो सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा कंप्लेंट अगर करना है तो इफ़ यू वांट टू कंप्लेंट अगेंस्ट अ कंपनी सेक्रेटरी आप किसके पास करोगे फॉर एग्जांपल आपने कंपनी सेक्रेटरी से कोई सर्विस लिया है तो उसने जो है आपके साथ धोखा किया है या फिर कुछ भी किया हो तो ये कंप्लेंट कहाँ पे जाएगा या फिर लीगल फ्रेमवर्क के बाहर जाके जो है कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहा है तो इसका कंप्लेंट आप करोगे किसको हाँ जी एनसीएलटी को करोगे नहीं उसके लिए देखो कंप्लेंट अगेंस्ट अ मेंबर मेंबर कौन है आईसीएसआई का मेंबर आईसीएसआई का मेंबर ही एक कंपनी सेक्रेटरी है राइट right? एक सी एस ही बन सकता है आईसीएसआई का मेंबर और दूसरा तो नहीं बन सकता कोई प्रधानमंत्री बन सकते हैं आईसीएसआई का मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि वो सी नहीं है सीधी बात राइट right? तो देखो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट रहता है कौन रहता है डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट गौरे डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट रहता है इनको आप कंप्लेन करोगे इसके अंदर भी दो डिवीजन्स है समझना <coughs> इसके अंदर भी दो डिवीजन्स है आप कंप्लेन करोगे डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को अब डिसिप्लिन डायरेक्टरेट क्या करेगा देखेगा कि यार ये शेड्यूल वन का मिसकंडक्ट है या फिर शेड्यूल टू का मिसकंडक्ट है दो प्रकार के शेड्यूल से भाई मेरे शेड्यूल वन एंड शेड्यूल टू ठीक है मिसकंडक्ट अगर शेड्यूल वन में हुआ है तो इसका जो है देखा देखी और मतलब इसका स्क्रूटनाइजेशन दूसरा करेगा एंड uh, अगर मिसकंडक्ट इन शेड्यूल टू हुआ है या फिर बोथ मतलब कोई ऐसा काम आपने किया है जो कि शेड्यूल वन में आता है एंड शेड्यूल टू में भी आता है तब भी ये शेड्यूल टू के अंदर ही आ जाएगा समझ में आ रहा है और ऐसा काम अगर आपने किया सिर्फ शेड्यूल वन में आता है तो ये शेड्यूल वन के अंदर आएगा अगर शेड्यूल वन का आपने कोई क्राइम किया है तो वो आएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आपको सज़ा सुनाएगा और अगर आपका शेड्यूल वन शेड्यूल टू दोनों एक साथ किया है या फिर आपने सिर्फ शेड्यूल टू ही किया हो तो आपका जाएगा डिसिप्लिनरी कमेटी के पास डिसिप्लिनरी कमेटी आपका केस देखेगा एंड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आपका केस देखेगा फॉर शेड्यूल वन एंड डिसिप्लिनरी कमेटी केस देखेगा फॉर शेड्यूल टू सीधी बात नो बकवास एकदम ब्यूटिफुल ठीक है ना अच्छा हम ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन जो है करेगा क्या आपके साथ सर इज्जत उतार देगा हाँ जी आपका इज्जत उतारेगा नंबर पहला बात है कि रेप्रमेंड करेगा द मेंबर रेपरमेंट करना मतलब इज्जत उतार देना डांट देना ठीक है अब अब देखो एक कैबिन रहेगा ठीक है उसमें बहुत सारे लोग बैठेंगे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बैठेंगे उसके बाद आपका फैसला होगा अब वहाँ पर आपको जो है मुर्गा बनाया जा रहा है या फिर क्या हो रहा है ये तो किसी को पता नहीं होगा तो रेप्रमेंड करेगा मेंबर को ठीक है मेंबर को सबसे पहले डांट देगा ये सबसे सिंपल प्रोसीजर है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का डांट दिया मेंबर को उसके बाद या तो डांट देगा आपको या तो आपका नाम हटा देगा मेंबर्स से मेम्बर्स का जो लिस्ट है उससे नाम हटा देगा तीन महीने के लिए तो सर इसमें क्या बराबा है नाम हटाने से क्या हो जाएगा भैया अगर आपका नाम हटा दिया गया ना तीन महीने के लिए तो आप तीन महीने के लिए सी नहीं हो आपका सिग्नेचर का कोई वैल्यू नहीं है समझ में आ रहा है आप कोई भी किसी भी प्रकार का सिग्नेचर नहीं दे सकते क्योंकि यार वैल्यू नहीं रहेगा उस सिग्नेचर का क्योंकि आपको आप सी हो ही नहीं तीन महीने के लिए आपको सस्पेंड किया गया है समझ में आ रहा है या फिर आपके ऊपर फाइन लगा देगा जो कि एक लाख रुपये तक जा सकता है ये कर सकता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन अब आते हैं डिसिप्लिनरी कमेटी में डिसिप्लिनरी <coughs> कमेटी क्या करेगा पहली बात तो रेप्रमेंट कर देगा डांट देगा मेंबर को दूसरी बात रिमूव कर देगा नेम ऑफ द मेंबर अप टू परमानेंटली ये पावर है डिसिप्लिनरी कमेटी के पास परमानेंटली रिमूव कर सकता है परमानेंटली रिमूव कर सकता है क्या बताइए ना परमानेंटली रिमूव कर सकता है आपका नाम फ्रॉम दी मेंबर्स मतलब आपको परमानेंटली सस्पेंड किया जा सकता है ये मतलब आपको समझ में आ रहा है बहुत बड़ी बात है या तो फाइन लगा देगा पाँच लाख रुपए तक का फाइन लगा देगा आपको अब एक बात बताओ तो इसमें आपको क्या पता लग रहा है इसमें आपको पता लग रहा है कि यार शेड्यूल वन के जो क्राइम्स हैं ना वो ज़्यादा सीवियर क्राइम्स नहीं है लेकिन शेड्यूल टू के जो क्राइम्स है बहुत सीवियर क्राइम्स क्रा 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 है राइट तो इससे आपको पता लग रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं ये एग्ज़ामिनेशन में तीन मार्क का मिनिमम मैं बता रहा हूँ या तो पाँच मार्क का पूछा जा सकता है तो इसको बहुत बहुत अच्छे से कर लेना है ठीक है बहुत बार आया है एग्जामिनेशन में कि बताओ और उसने इस प्रकार का उसने शेड्यूल वन का क्राइम किया है तो उसके साथ क्या होना चाहिए एंड कौन करेगा उसके साथ ज्यादती तो ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन आपका आंसर ठीक है और ये सारा चीज़ पॉइंट्स आपको लिखना होगा ठीक है मिसकंडक्ट अंडर शेड्यूल वन डिसिप्लिनरी डायरेक्ट्रेट ये सारा इस प्रकार से आपको लिखना होगा आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर बहुत बहुत अच्छा आगे बढ़िए सर सुनो अब जैसे ये शेड्यूल वन है ना इसको हम लोग अभी पूरा ब्रेक डाउन करेंगे शेड्यूल वन है क्या शेड्यूल टू है क्या आपको लग रहा होगा कि सर बहुत डेंजर है सर मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखा है सर बहुत मतलब जान निकल जाता है सर सच्ची में आपको ना मजा आने वाला है यहाँ पे ठीक है देखो शेड्यूल वन जो है शेड्यूल टू शेड्यूल वन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं चार पार्ट्स में एक दो तीन चार चार पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं शेड्यूल वन को एंड शेड्यूल टू को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में वन टू एंड थ्री ग्यारह क्लॉजेस पार्ट चार में है दो क्लॉजेस ठीक है एंड शेड्यूल टू में जो पार्ट वन में दस क्लॉजेस पार्ट टू में है चार क्लॉजेस एंड वन पार्ट थ्री में है एक क्लॉज तो इस चीज को आपको याद रखना है ये क्यों याद रखना है मैं आपको बता दूं अगर आंसर आपका पांच मार्क का पकड़ लो ठीक है तो आपको ये लिखना होगा कि कौन से पार्ट का आपको पूछा गया है ठीक है देखो लिखा तो होगा क्लॉजेस क्लॉजेस ग्यारह क्लॉजेस मतलब क्या ग्यारह आपके प्रोविजन है लीगल फ्रेमवर्क है करने होंगे अब ये जो ग्यारह है कौन से अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ये कौन से क्लॉज का है ये अगर आपको पता लग जाए एग्जामिनर को आप बता पाओ कि सर ये तो क्लॉज थ्री का था पार्ट थ्री का है शेड्यूल वन का है फिर तो भैया एग्जामिनर एक मिलीमीटर का भी मार्क्स आपसे डिडक्ट नहीं कर सकता मतलब एक परसेंट भी मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता वो पूरा मार्क्स आपको देना होगा तो इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड कर दिया है इसको याद कैसे रखना है देखो सबसे पहले आप लिख दोगे पार्ट ये जो ये जो ये जो चीज़ है ना ये एग्जामिनेशन में जाके ही पेपर के पीछे आप बना लो ये ठीक है सो उधर आप भूलो नहीं लास्ट में आप याद करने ना लग जाओ ये बना लेना है सिर्फ ये कैसे बनाना है मैं आपको बता दूँ फोर पार्ट्स थ्री पार्ट्स इतना तो आप बना ही सकते हो फिर यहाँ पे ग्यारह लिख देना है यहाँ पे दस लिख देना है यहाँ पे है ग्यारह यहाँ पे है दस फिर तो पार्ट टू का टू पार्ट थ्री का थ्री ठीक है पार्ट टू का टू पार्ट थ्री का थ्री इतना याद रख पाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं लास्ट तीन चीज़ सिर्फ याद रखना है पार्ट फोर का भी टू ही आएगा यहाँ पे पार्ट टू का फोर आएगा एंड पार्ट थ्री का वन आएगा ये तीन आपको याद रखना है टू फोर एंड वन बाकी तो भैया आप अगर याद नहीं रख रहे हो तब भी आपको आ ही जाएगा ये चीज़ ठीक है समझ में आ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भवाल आगे बढ़ता है अच्छा <coughs> इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं ये तो आप बना लोगे ये तो आप बना लोगे ठीक है इसके नीचे ना और एक दो लाइन लिखना है आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ सुनो ये है शेड्यूल वन ये है शेड्यूल टू सिंपल बात पार्ट है वन टू थ्री फोर पार्ट है वन टू थ्री क्लॉज है इलेवन टू थ्री टू क्लॉज है इलेवन टेन फोर एंड वन ठीक है अब सुनो एक चीज ये जो इलेवन क्लॉजेस है ये इसमें बताया क्या गया है इसमें लिखा क्या गया है ये आपको याद रखना होगा किस कैटेगरी का क्लॉजेस है ये ये आपको याद रखना होगा ठीक है समझ में आ रहा है हाँ जी देखो एक होता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट दूसरा होता है अदर मिसकंडक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मतलब इन कनेक्शन टू योर प्रोफेशन अदर मिसकंडक्ट मतलब इट इज अदर मिसकंडक्ट विच इज विच इज नॉट प्राइमरली कनेक्टेड टू योर प्रोफेशन ठीक है यह है अदर मिसकंडक्ट और यह है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो हमेशा याद रखना कंटेंट जो है पार्ट का लास्ट का जो जितना भी कंटेंट होगा वो हमेशा अदर मिसकंडक्ट है ठीक है तो अदर मिसकंडक्ट होगा पार्ट फोर एंड अदर मिसकंडक्ट होगा पार्ट थ्री बाकी सब प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है इतना यह आप लिख पाओगे एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब थोड़ा धैर्य रख के थोड़ा आगे बढ़ते हैं ये जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है ये किसके लिए है दो प्रकार के कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं एक है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस दूसरा है कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस समझ में आ रहा है इन प्रैक्टिस मतलब जिसका फर्म खोल के बैठा है एंड इन सर्विस मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है दोनों दोनों का अलग अलग जो है काम करने का तरीका रहता है काम एक ही करता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है एंड उसके ऊपर रेगुलेशन अलग अलग है तो इसकी क्लॉजेज भी अलग अलग होंगे एक चीज याद रखना और एक है और एक इन जनरल इन जनरल मतलब जनरल मतलब दोनों कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इन सर्विस दोनों मिलाकर तो याद रखना एक चीज एक चीज याद रखना हमेशा कि शेड्यूल वन का जो पहला एंड पहला पार्ट रहेगा ना इसमें हमेशा ये जो ग्यारह क्लॉजेस है सबसे ज्यादा क्लॉज ओके अब सुनो हमेशा याद रखना पार्ट वन का जो एप्लीकेबिलिटी है वो एप्लीकेबल होगा ये ग्यारह क्लॉजेस सबसे ज़्यादा क्लॉजेस एप्लीकेबल होगा प्रैक्टिस के ऊपर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर ये दस क्लॉजेस सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर समझ में आ रहा है ये दो एप्लीस हो सकोगे दस क्लॉज एंड ग्यारह क्लॉज सबसे ज़्यादा जो क्लॉजेस है कंपनी सेक्रटरी प्रैक्टिस के लिए है उसके बाद जो नेक्स्ट दो क्लॉज होंगे वो कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस के लिए होंगे बाकी के जो बाकी के जितनों क्लॉजेस होंगे ये सारे जनरल होंगे ठीक है ये सारे जनरल होंगे समझ में आ रहा है ये जनरल ये जनरल ये जनरल ये जनरल ठीक है एप्लीकेबिलिटी इनके ऊपर होंगे कंपनी सेक्रेटरी इन सर्विस सिर्फ इसमें आएगा पार्ट टू में आएगा पर्टिकुलरली यहाँ पे सर्विस मतलब है पर्टिकुलरली जनरल में तो सर्विस प्लस प्रैक्टिस दोनों आएगा है ना समझ में आ रहा है तो ये आपको ड्राफ्ट लेना कितना ईजी है भाई देखना चार है चार है तीन है फिर ग्यारह दो तीन दो दस चार एक ये आप लाइन याद कर लो ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ़ आपको ये और ये याद रखना होगा लास्ट में दो याद रखना होगा बस फिर सिर्फ आप लास्ट में ओम एंड ओम लगा देना है बाकी सामने जो है पीएम 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 ठीक है उसके बाद सी सीएसपी सीएसपी फिर सी एस फिर जनरल 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 ख़त्म ये आप थोड़ा रट्टा मार के ना एग्जामिनर एग्जामिनेशन के पीछे के पोर्शन में आपको लिख डालना है ये सो दैट आप भूलोगे नहीं आपको याद नहीं करना है ये चीज़ आपको रट्टा लगा के आपको ये मैंने फिर भी आपको बहुत सारे टेक्निक्स बता दिया कैसे आपको याद रखना है ये चीज़ ठीक है ब्यूटिफुल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बवाल सुनो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं शेड्यूल वन का पार्ट वन शेड्यूल वन का पार्ट वन कहता क्या है सर शेड्यूल वन का पार्ट वन कहता है सुनना पार्ट वन पार्ट वन कहता है शेड्यूल वन का पार्ट वन कहता है कि सर मैं ग्यारह क्लॉज हूँ आपके लिए यहाँ पे मैं ग्यारह क्लॉजेज हूँ आपके लिए मैं रेडी हूँ आपके लिए मैं हूँ ग्यारह क्लॉजेज एंड यही सारे क्लॉजेस एप्लीकेबल होंगे कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के लिए ठीक है अब सुनो बात ये जो कंपनी इन प्रैक्टिस है इसका सबसे पहला क्लॉज क्या रहेगा पार्ट वन का ग्यारह है मेरे को बताया सबसे पहला क्लॉज क्या रहेगा पार्ट वन का देखो पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगा उधर आपका दिल और दिमाग में छप जाए चीज है ठीक है सबसे पहली बात है कि तो, company, देखो कंपनी प्रैक्टिस शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देखो एग्जामिनेशन में ये लाइन आपको चिपका डालना है लाइन आपको चिपका डालना है किसी भी किसी भी क्लॉज से पूछ ले आपको यह लाइन एकदम चिपका डालना है एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वेन देखो सबसे पहला क्लॉज है ये अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन इज नेम एज अ कंपनी सेक्रेटरी अनलेस सच पर्सन इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड इज इन पार्टनरशिप और विथ एम्प्लॉयड बाई हिम मतलब क्या कि यह प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा अगर आप अलाउ कर रहे हो किसी भी पर्सन को प्रैक्टिस करने के लिए उस इन हिस नेम मतलब उसके नाम से प्रैक्टिस करने के लिए नाम से प्रैक्टिस करने के लिए एज अ कंपनी सेक्रेटरी अनलेस सच पर्सन इज़ ऑल्सो अ कंपनी सेक्रेटरी ठीक है तो आपने दूसरे बंदे को बोला है वो कंपनी सेक्रेटरी है नहीं लेकिन उसको बोला है कि आपका काम कर देने के लिए अनलेस इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड इज़ इन पार्टनरशिप और विद एम्प्लॉयड बाई हिम और उसी के साथ साथ आप पार्टनरशिप में है या फिर एम्प्लॉय किया गया हो है ना आपने एम्प्लॉय किया हो तो इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को याद कैसे रखना है सिम्पल वादे भाई मेरे बिरादरी वाले ठीक है बिरादरी वाले इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लेना बिरादरी अब बिरादरी में कौन कौन आता है वो मैं एक बार बता दूँ आपको बिरादरी में आते हैं ये सारे लोग ये अपने बिरादरी वाले लोग हैं सी ए सी एम ए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर ठीक है ना प्रोफेशनल्स आई आई देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर के आर्किटेक्ट्स के आ, मेंबर्स ठीक है फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल के मेंबर्स फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग के मेंबर्स बैचलर इन टेक्नोलॉजी के मेंबर्स एमबीए के मेंबर्स ये सारे हमारे बिरादरी के लोग ही है ये सारे हमारे बिरादरी के लोग ही हैं तो ये जो है इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो इनके साथ आप बिजनेस कर सकते हो इनके अलावा किसी भी एरा गहरा नथु खहरा के साथ आप नहीं कर सकते ये ऐसी आपको बता रहा है तो बिरादरी वर्ड का मीनिंग समझ में आ चुका है ये मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया, दिया कि बिरादरी क्या है अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है देखो थाम के बैठो क्लॉज वन कहता है भाई मेरे कि अपनी बिरादरी के अलावा अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं ठीक है देने का नहीं अपनी बिरादरी के अलावा मैं अपने बिरादरी के अलावा किसी और को किसी और को अपने ही नाम अपने ही नाम से अपने ही नाम से प्रैक्टिस करने नहीं देने वाला मैं अलाउ कर रहा हूं तुमको प्रैक्टिस करने देने के लिए मेरे नाम से कैसे हो सकता है तुम तो सी एस भी नहीं हो तो बिरादरी में कौन कौन आता है समझ में आ चुका है अच्छा ये वाला जो क्लॉज है इसमें भैया इंजीनियर्स डॉक्टर्स एंड ये तो आई सी सी एम ए सी ए ये लोग इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि क्योंकि आपको तो एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए होगा ना आपके नाम से प्रैक्टिस करने के लिए लेकिन बिरादरी में मैंने ये सारे इंक्लूड क्यों किया है क्योंकि इनके साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो पार्टनरशिप वाला क्लॉज भी आएगा देखो ना पहले इतना समझ लो कि अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं ये क्लॉज वन कहता है क्या कहता है क्लॉज वन क्या कहता है फटाफट इंग्लिश वाले बाद में पढ़ेंगे हम लोग ये हिंदी वाले सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदी वाला आप याद कर लो इंग्लिश वाला अपने आप लिख पाओगे ठीक है अपने बिरादरी के अलावा अपने बिरादरी के अलावा बताओ ना अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं यह है क्लॉज वन ठीक है क्लॉज वन क्लॉज टू कहता है क्लॉज टू कहता है क्लॉज टू कहता है क्या कहता है अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं क्लॉज थ्री कहता है अपने बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं समझ में आ चुका है अपने बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं तो क्लॉज वन टू एंड थ्री क्या कहता है क्लॉज वन क्या कहता है फटाफट रिपीट करो अपनी बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं क्लॉज टू कहता है अपनी बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं एंड क्लॉज थ्री कहता है अपनी बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं एक बार हम लोग इंटरप्रिटेशन कर लेंगे इंग्लिश से इंग्लिश में अच्छा पेस और अलाउस और एग्रीज टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ इज प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पार्ट इंस्टीट्यूट और ए पार्टनर और ए रिटायर्ड पार्टनर और लीगल और देखो ना और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ़ डिसीज पार्टनर और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड और विद सच अदर पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड आपको एग्जामिनेशन में ना ये पूरा पूरी लिखने का ना ही सुनो बात मैं आपको एक डरा नहीं रहा हूँ मैं सच्ची में फैक्ट बता रहा हूँ सुनो एग्जामिनेशन में एक्चुअली वो बोल देंगे कि ये है केस ये है केस अब बताओ क्या ये शेड्यूल वन में आता है कौन से क्लॉज में आता है क्या इसके लिए पनिशमेंट होगा कि नहीं होगा आपको सिर्फ इतना याद रखना कि ये क्लॉज टू में आता है कि नहीं पार्ट वन के क्लॉज टू के शेड्यूल वन में आता है कि नहीं अगर आता है तब आप सिर्फ यही लिख दो कि हाँ जी ये जो मिस्टर सिमरन मिसेस सिमरन है इन्होंने जो है पैसा लिया है पैसा लिया है शेयर लिया है या फिर कमीशन लिया है ये अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन अंडर व्हाट अंडर व्हाट बताइए ना अंडर शेड्यूल वन पार्ट वन क्लॉज वन पार्ट वन क्लॉज हाँ बताइए फटाफट पार्ट वन क्लॉज टू समझ में आ चुका है ये आपको लिखना है आपको पूरा पूरी मार्क्स मिल जाएगा समझे समझे तो आपको याद कैसे रखना है याद तो ऐसे ही रखना है ना पैसा देने का नहीं पैसा लेने का नहीं सिंपल बात पहली बात अपनी बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं दूसरी बात दूसरी बात बताएं अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं तीसरा अपनी बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोफेशनल वर्क ऑफ़ अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट हु इज़ नॉट द मेबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ठीक है समझ में आ रहा है हाँ जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाँ जी इसका एक एक्सेप्शन भी है कि कैन एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट फ्रॉम अ मेंबर ऑफ सच प्रोफेशनल बॉडी ये जो प्रोफेशनल बॉडी यहाँ पर बता रखा है ना ये प्रोफेशनल बॉडी यही है और कोई कुछ नहीं है ये जो प्रोफेशनल बॉडी है ये यही है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ठीक है इनसे ले सकते हो इनको दे सकते हो लेकिन इनके अलावा किसी और को नहीं दे सकते ले सकते तो एग्जामिनेशन में याद कैसे रखना है आपको पता लग रहा है भैया पहला क्लॉज था भैया अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने देने का नहीं दूसरी क्लॉज रिपीट करो मेरे साथ अपने बिरादरी अपने बिरादरी के अलावा किसी को पैसा देने का नहीं अपने बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं ठीक है ये क्लॉज थ्री तक हो चुका है अब जाएंगे क्लॉज फोर में फ़ोर में कि अपने बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करने का भाई अपने बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं ठीक है अपने बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं यह है क्लॉज फोर देखो क्या लिखा है यहां पे क्लॉज फोर में इफ एंटर्स इन टू अ पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद अ पर्सन अदर देन प्रोफेशनल बॉडी सी एस पी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल बॉडी ठीक है ना प्रोफेशनल बॉडी तो आपको पता ही है ये मैंने प्रोफेशनल बॉडी लिख के रखा है बिरादरी है ना एंड कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस तो पता ही ये ग्यारह क्लॉजेस किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के ऊपर तो ये लिखा है यहाँ पे क्या लिखोगे आप अपनी बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं अपनी बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं क्लॉज फोर सास सास रोके रखो अभी हो जाएगा क्लॉज फाइव अपने एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉई या फिर पार्टनर के अलावा किसी से काम सिक्योर करने का नहीं इसका मतलब समझाता हूँ मैं कि अगर आप किसी से काम मांग रहे हो मांग रहे हो काम तो अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि भैया वो वाला डील जो है मेरे को ला कर दे वो वाला टेंडर मेरे को ला कर दे या फिर उनके साथ मेरे को काम करना है उनसे बात करके दे ठीक है ना या अपने एम्प्लॉय को ज़रूर कर सकते हो अपने पार्टनर को ज़रूर कर सकते हो काम सिक्योर करवाने के लिए काम कर सकते हो लेकिन उसके अलावा किसी और को नहीं कर सकते तो अपने एम्प्लॉय या फिर पार्टनर के अलावा किसी से काम सिक्योर करने का नहीं सिक्योर इधर थ्रो द सर्विस ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय नॉट एन एम्प्लॉय नहीं कर सकते मतलब अगर ये किए आप तो ये तो मिसकंडक्ट uh, हो जाएगा ना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा और हु इज नॉट अ पार्टनर और बाई मीन्स विच आर नॉट ओपन टू अ कंपनी सेक्रेटरी एनी प्रोफेशनल ठीक है क्लास फाइव हो चुका है क्लास सिक्स करेंगे भैया सिंपल सा चीज़ है एडवर्टीजमेंट के ऊपर है सर्कुलर एडवर्टीजमेंट प्रोफे पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू दे के काम सॉलिसिट करने का नहीं काम सॉलिसिट करने का नहीं मतलब हाँ जी आप इंटरव्यू नहीं दे सकते आप सर्कुलर पास नहीं कर सकते पेपर में लगा के सर्कुलर पास कर दिए हर जगह पे बेस्ट सीएस बेस्ट सीएस बेस्ट सीएस सुबह सुबह आज तक पे आ रहा है कि सीएस डैश एंड डैश सी एस डैश एंड डैश ऐसे करके आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते कि आप सबको जाके बोलते फिरो कि मैं बहुत बढ़िया सी एस हूँ आप मेरे को काम देना प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकते भीख नहीं मांग सकते भाई मेरे सिंपल सा चीज़ तो सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू के माध्यम से काम सॉलिसिट करने का ना सॉ सौ, काम सॉलिसिट करने का ना ये है क्लॉस सिक्स ठीक है फिर है क्लास सेवन क्लास सेवन में क्या बताया अपने प्रोफेशनल एटेनमेंट को एडवर्टीज़ करने का नहीं अपने प्रोफेशनल एटेनमेंट को प्रोफेशनल एटेनमेंट मतलब जो आप सी बन चुके हैं इसको एडवर्टीज़ नहीं करने का इसको एडवर्टीज़ नहीं करने का कि मैं सी एस डैश एंड डैश बन चुका हूँ सी एस एंड यू नो मै हर जगह पे आप फेसबुक पे ठीक है ट्विटर पे आप बोलते रहो कि मेरे पास काम लेकर आइए मेरे पास काम लेकर आइए ऐसे ऐसे ऐ, ऐसे आप नहीं कर सकते एडवर्टीज़ नहीं कर सकते अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट को और अपने डेजिग्नेशन के अलावा किसी और किसी दूसरे डेजिग्नेशन को यूज़ करने का नहीं आप सी एस सी एस ई आपको लगाना होगा आप दूसरा डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते ठीक है अपने डेजिग्नेशन के अलावा किसी और डेजिग्नेशन को यूज करने का नहीं या तो आप सी एस बन के काम कर सकते हो या तो आप सी ए बन के काम से कर सकते हो या सीएमए बन के काम करो जो भी काम करना है एक होकर करना पड़ेगा आपको आप तीनों काम एक साथ नहीं कर सकते सी एस सी ए सी तीनों का काम एक साथ नहीं कर सकते आप समझे तो ये आप क्लास सेवन में पढ़ रहे हो ठीक है अच्छा क्लॉज एट में पुराना सी एस पुराना सी से कम्युनिकेट ना करके उसका पोजीशन एक्सेप्ट करने का नहीं मतलब पुराना सी जो है एक कंपनी में पकड़ लो यार एक सी है ठीक है एक सी है जो एक पहले एक क्लाइंट को देखता था ठीक है पहले एक क्लाइंट को देखता था अब वही क्लाइंट आपके पास आ रहा है काम लेकर तो आप सबसे पहले उस पुराने सी से बात करोगे विदाउट बात करके आप उसका पोजिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते ठीक है उसका पोजिशन आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते विदाउट कॉम्युनिकेटिंग विथ हिम और हर ठीक है पुराना सी एस से कॉम्युनिकेट ना करके पोजीशन एक्सेप्ट करने का नहीं उसका पोजीशन एक्सेप्ट करने का नहीं करने का नहीं भाई मेरे क्लॉज नाइन परसेंटेज के हिसाब से फीस चार्ज करने का नहीं परसेंटेज के हिसाब से फ़ीस चार्ज करने का नहीं योर फीस शेल बी फिक्स्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि टर्नओवर के ऊपर दस बीस परसेंट मेरा फ़ीस रहेगा ऐसा नहीं हो सकता परसेंटेज के हिसाब से आप नहीं मांग सकते आपको एक फ़िक्स रेट लगाना होगा दो करोड़ रुपए एक करोड़ रुपए एक लाख रुपए पच्चीस हज़ार रुपये जो भी होगा आपका फिक्स रहना होगा समझ में आ रहा है ना परसेंटेज के हिसाब से आप चार्ज नहीं कर सकते ये क्लास नाइन है क्लास टेन क्या कहता है क्लास टेन कहता है अपने धंधा के अलावा कोई और धंधा करने का नहीं मतलब सुबह सब्जी मंडी में सब्ज़ी बेच रहे हो शाम को सी ऐसा नहीं हो सकता भाई मेरे अपने धंधा के अलावा कोई और धंधा करने का नहीं अपने धंधा के अलावा कोई और धंधा करने का नहीं एंड क्लॉस इलेवन आई के मेंबर के अलावा अपने बिहाफ़ पे किसी और को साइन करवाने का नहीं <That loading> ठीक है अपने बिहाफ पे किसी और को और से साइन करवाने का नहीं मतलब तुम कौन हो तुम कौन हो तुम सी हो ठीक है तुमको साइन करना है यहाँ पे लेकिन किसी कारणवश तुम आउट ऑफ स्टेशन हो तुम साइन नहीं कर सकते तो तुम किसी दूसरे बंदे से साइन करवा सकते हो हाँ करवा सकते हो लेकिन प्रोवाइडेड दैट ही और शी शैल बी अ सी एस तो आई सी एस के मेम्बर के अलावा अपने बिहाफ पे किसी और से साइन करवाने का अब रिविजन करेंगे हम लोग ठीक है इसको रिवाइज करेंगे हम लोग अच्छे से फटाफट फटाफट कर लेंगे टेंशन मत लो तो। क्लॉज वन क्लॉज वन क्या कहता है सर मैं ना बताता हूँ मैं आपको क्लॉज वन कहता है कि क्लॉज वन कहता है अपने बिरादरी के अलावा किसी और को अपने नाम से प्रैक्टिस करने का नहीं कर, करने देने का नहीं क्लॉज टू कह क्लॉस टू कहता है अपनी बिरादरी के अलावा किसी और को पैसा देने का नहीं क्लॉज थ्री कहता है अपनी बिरादरी के अलावा किसी से पैसा लेने का नहीं क्लॉज फोर कहता है अपना बिरादरी के अलावा किसी के साथ पार्टनरशिप करने का नहीं मतलब पान दुकान वाला के साथ पार्टनरशिप नहीं करने का अपने एम्प्लॉय या फिर पार्टनर के अलावा किसी से काम सिक्योर करने का नहीं हाँ जी सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन या इंटरव्यू के माध्यम से काम सोलिसिट नहीं करने का करने का ही नहीं ठीक है फिर अपने प्रोफेशनल अटेनमेंट को एडवर्टीज़ करने का नहीं अपने डेजिग्नेशन के अलावा किसी और डेजिग्नेशन को यूज़ करने का नहीं पुराने सी से कम्युनिकेट ना करके पोजिशन एक्सेप्ट करने का नहीं लास्ट में है परसेंटेज के हिसाब से फीस चार्ज करने का नहीं अपने धंधा के अलावा कोई और धंधा करने का नहीं एंड आईसी के मेंबर के अलावा अपने बिहार पे किसी और से साइन करवाने का नहीं रे बाबा नहीं समझे ना तो ये अब याद कर पाओगे इस भैया इससे बेटर तो भैया मैं बता रहा हूं भगवान विष्णु भी आके आपको याद नहीं करवा सकता सच्ची मैं कह रहा हूं एम अ वेरी वेरी गुड विष्णु भक्त ठीक है लेकिन यू you नो know, नहीं करवा सकते ठीक है अच्छा नंबर टू नंबर टू में क्या है बताइए क्लॉज वन नंबर टू नंबर टू में क्या है क्लॉज वन क्लॉज टू ये नहीं पढ़ने से भी चलेगा क्योंकि ये जो क्लॉज वन है ये क्लॉज टू का पार्ट वन ही है ठीक है मतलब पार्ट वन का क्लॉज टू ही है ये जो क्लॉज पार्ट वन का क्लॉज टू क्या था पैसा लेने का देने का भूल गए पैसा लेने का देने का यही पार्ट टू में है और क्लॉज टू में भी ये क्लॉज थ्री ऑफ पार्ट वन है जो कि पैसा लेने का नहीं ये पैसा देने का नहीं अब एग्जामिनेशन में अगर पैसा लेने देने के बारे में पूछ लेना तो आप दोनों मैंशन कर सकते हो पार्ट वन क्लास टू एंड क्लास थ्री क्लास टू इज फॉर पैसा ले देने का एंड क्लास थ्री इज फॉर पैसा लेने का ऑल्सो इट इंक्लूड्स पार्ट टू क्लास वन पैसा हाँ जी देने का एंड लेने का इन पार्ट टू ठीक है ये दोनों सेम है तो ये आपको इसी प्रकार से याद रख लेना है पार्ट टू का पार्ट थ्री का मैं आपको बताता हूँ भैया पार्ट थ्री में ज़्यादा कुछ नहीं है पार्ट थ्री में ज़्यादा कुछ नहीं है दिखेगी देखे, फटाफट देखेंगे ठीक है का पार्ट थ्री में ज्यादा कुछ नहीं है तीन क्लॉजेज है पार्ट थ्री के आपको भी पता होगा एफ सी एस नहीं तो एफ सी एस का एक्टिंग करने का नहीं भाई मेरे ठीक है क्लॉज देखो पार्ट थ्री का कितना क्लॉजेस है तीन है सर देखो ना ये पार्ट वन हो चुका है पार्ट टू हो चुका है पार्ट थ्री का तीन क्लॉज है इसमें से पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर आप एफ सी एस नहीं हो ठीक है कहा गया अगर आप एफ सी एस नहीं हो तो एफ सी एस एक्टिंग करने का नहीं ठीक है एफ सी एस नहीं हो तो आप एफ सी एस का एक्टिंग करने का एफ सी एस का मतलब होता तो है फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट कब बनते हो पता है पाँच साल जब आप एस सी एस गुजार लोगे तब जाके आप बनोगे फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ठीक है तो एफ सी एस नहीं हो तो एफ सी एस अपने आपको एफ सी एस बोलने का नहीं पार्ट टू में है इंस्टीट्यूट ने जो जानकारी मांगा है वो देने का सुनो इंस्टीट्यूट ने जो जानकारी मांगा वो देने का छुपाने का नहीं देखो यहां पे मैं एक लाइन एड कर देता हूं ठीक है मजा आ जाएगा छुपाने का नहीं इंस्टीट्यूट ने जो जानकारी मांगा है वो देने का छुपाने का नहीं एंड क्लास थ्री लास्ट में बोला है गलत जानकारी देने का नहीं तो तीनों सेम है एक के साथ एक रिलेट कर रहा है पहला तो भैया एफ जो है अगर नहीं हो तो उसका एक्टिंग नहीं करने का ठीक है करने का नहीं एंड क्लास टू में है इंस्टीट्यूट ने जो जानकारी मांगा है वो देने का छुपाने का नहीं और क्लास थ्री में है गलत जानकारी देने का नहीं भाओ ठीक है तो ये तीन चीज़ जो है आप याद कर लोगे ठीक है पार्ट थ्री में ये एक बार यहाँ से देख तो नॉट देखो नॉट बींग अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट एक्ट्स एज अ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट दूसरा है डज नॉट सप्लाई दी इंफॉर्मेशन कॉल्ड बाई आई सी एस आई वाइल इन्वाइटिंग वर्क फ्रॉम अदर सी एस गिव फॉल्स इंफॉर्मेशन ये याद रखना आ, ज, देखो फेलो सी एस को यहाँ पे ये एक चीज ऐड कर लो फैलो सीएस को गलत जानकारी देने का नहीं ठीक है मतलब आप आप इनवाइट कर रहे हो फॉर सम वर्क ठीक है मतलब मेरे को काम चाहिए आप अपने फेलो सीएस को बोल रहे हो तो उसको गलत जानकारी देने का नहीं कम से कम ठीक है लास्ट देखो पार्ट तो फोर में बताया, कोर्ट ने कोर्ट ने देखो ना क्या बताया कोर्ट ने मैक्सिमम छः महीने का सज़ा सुना दिया है तो, तो अगर आपको छः महीने का मैक्सिमम सज़ा सुना दिया है कोर्ट ने तो आई से अलग से आपको डांटेगा ठीक है आई से अलग से आपको डांटने वाला है कोर्ट तो डांटेगा डांटेगा आई सी एस आई अलग से डांटेगा एग्जामिनेशन में नंबर कम मिलता है तो टीचर डांटता है ना वो तो कोर्ट डांटेगा लेकिन पापा तो फिर से डांटेंगे घर में आके पापा एंड मम्मी जन्मदाता है तो आई क्या है जन्मदाता है वो भी डांटेंगे आपको तो अंडर पार्ट फोर क्लॉज वन ये आपका दिक्कत हो जाएगा अगर आपको छः महीने का जेल हो चुका है फॉर एनी ऑफेंस आपने किया हो क्लॉज टू में है आई को बदनाम करने का नहीं भाई आई आई को बदनाम करने का नहीं एंड ये ये दो हो चुका है ठीक है ना ये दो हो चुका है अब शेड्यूल टू शुरू होने वाला है यहाँ से शेड्यूल टू शुरू होने वाला है यहाँ से ठीक है पार्ट फोर हो चुका है वन टू थ्री फोर हम लोग कंप्लीट कर लिया है पार्ट वन टू थ्री फोर यहाँ पे वन में इलेवन क्लासेज टू में टू क्लासेज थ्री में थ्री क्लासेज फोर में टू क्लासेस हम लोग ने कंप्लीट कर रखा है अब हम लोग जाएंगे शेड्यूल वन में जो कि दस क्लासेज देखेंगे टू में फोर क्लासेज देखेंगे थ्री में वन क्लासेज देखेंगे ठीक है एक चीज़ मैं बता दूँ एग्जामिनेशन में शेड्यूल वन से मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आएंगे शेड्यूल टू से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते लेकिन वाट लग जाएगा अगर आपने शेड्यूल टू नहीं करके गया है क्योंकि पूछ लिए तो मार्क्स हाथ से चला जाएगा दस है आपको टफ लग रहा होगा लेकिन मैं बहुत इजी फॉर्मेट में आपको बता दूंगा तो टेंशन मत लीजिएगा ठीक है देखो शुरू कर रहे हैं भाई मेरे शेड्यूल टू अच्छा शेड्यूल टू पता लग रहा है ना भैया कि इसमें थोड़ा ज्यादा ही आपको सुना दिया जाएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ जी थोड़ा थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का आपको यहाँ पे एरप्रेमेंट मिल सकता है या तो आपका नाम परमानेंटली हटाया दिया जा सकता है तो ये सारा चीज़ तो हो ही सकता है ना भाई मेरे तो सी शेड्यूल टू इज़ अ सीवियर क्राइम सीवियर क्राइम दैट यू हैव मेड ठीक है तो इस सीवियर क्राइम को हम लोग कैसे पढ़ेंगे देखो क्लॉज वन पार्ट वन में दस, clauses, दस है सीधा सीधी बात नो बकवास दस क्लाजेज है पार्ट वन में क्या क्या है देख लेते हैं सबसे पहला है क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन लीक करने का नहीं क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन लीक करने का नहीं क्लास वन में है क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन लीक करने का नहीं क्लास टू में है ऑडिट के बिना साइन करने का नहीं ऑडिट के बिना साइन करने का नहीं अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो आप साइन मत कर दो वहाँ पे आपको सेक्रेटरील ऑडिट करना होगा उसके बाद जाके ना आप साइन करोगे विदाउट ऑडिट हाउ कैन यू साइन तो सर्टिफाइज और सबमिट्स इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ द फर्म और रिपोर्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन ऑफ द मैटर रिलेटिंग टू सी एस प्रैक्टिस अनलेस सच एग्जामिनेशन हैज़ बीन डन मेड बाई हिम पार्टनर और एम्प्लॉय आपने ऑडिट ना करके मतलब वो इंफॉर्मेशन सही से ना देख के ना पढ़ के सीधा साइन करके दे दिया तो ऐसा करने का नहीं सीरियस क्राइम है क्लास थ्री भविष्यवाणी करने का नहीं भाई भविष्यवाणी करने का नहीं भविष्यवाणी करने का नहीं मतलब वाउच इज फॉर एन एक्यूरेसी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ दी फॉरकास्ट मतलब वो फॉरकास्ट प्रिडिक्ट कर रहा है भविष्यवाणी कर रहा है ऐसा करने का नहीं अपने क्लाइंट को भविष्यवाणी करके मत बताना कुछ भी तो भविष्यवाणी करने का नहीं क्लास फोर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाले रिपोर्ट पे ओपिनियन देने का नहीं मतलब जहाँ पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कोई ऐसा आपके पास फाइल आ चुका है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है तो आप आपका अगर इंटरेस्ट है आप बाइस्ड हो जाओगे उस फाइल के टूवर्ड्स है ना तो अगर आप बाइस्ड हो जाओगे यू आर नॉट बीइंग अ प्रॉपर कंपनी सेक्रेटरी तो अपने ही इंटरेस्ट के रिपोर्ट पे ओपिनियन देने का नहीं ठीक है यू कॉन्ट एन एनी ओपिनियन क्लास फाइव में है मैटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने का करने से फेल होने का नहीं ठीक है मतलब फेल्स टू रिपोर्ट मैटेयल फैक्ट नोन टू हिम अगर आपसे कोई भी किसी प्रकार का मेटेरियल फैक्ट पूछा जाए आई से तो आप उसको डिस्क्लोज करना होगा फेल मत हो जाना डिस्क्लोज करने से ठीक है ना तो मेटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करने का फेल होने का नहीं ठीक है क्लॉस फाइव क्लॉस सिक्स में है मैटेरियल मिस स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने से फेल होने का नहीं मैटेरियल मिस स्टेटमेंट कुछ आपके नज़र में आया है जो मैटेयली मिस स्टेटमेंट हुआ है तो उसको रिपोर्ट करने का छुपाने का नहीं ठीक है क्लास क्लास सेवन में है ड्यू डिलीजन्स करने से चूकने का नहीं यू कांट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग अ ड्यू डिलीजन्स राइट तो ड्यू डिलीजन्स करने से चूकने का नहीं ठीक है मतलब ग्रॉसली नेग्लीजेंट करने का नहीं ग्रॉसली नेग्लिजियंट होने का नहीं ठीक है क्लास सेवन है क्लास एट है बिना सफिशेंट इन्फॉर्मेशन के ओपिनियन देने का नहीं सीधी बात क्लॉज एट है बिना सफिशियंट इन्फॉर्मेशन के ओपिनियन देने का नहीं पहला हम लोगों ने जो क्लॉज पढ़ा है ऊपर में देखो क्लॉज फोर इसमें जहाँ पे आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था वहाँ पे आप अपना ओपिनियन नहीं दे सकते और अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉज एट वो है सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे यहाँ पे कमेंट कर सकते हो तो आप ओपिनियन मत देना क्लॉज एट में क्लॉज नाइन में सेकट्रियल प्रैक्टिस अप्लाई करने से भूलने का नहीं तो आपका जो सेकट्रियल स्टैंडर्ड है सेकेटरील प्रैक्टिस है वो आपको अप्लाई करना होगा उससे भूलने का नहीं ठीक है क्लॉज टेन लास्ट है क्लाइंट का पैसा मिसयूज़ करने का नहीं या फिर क्लाइंट का पैसा अपने भाषा में बोले तो मारने का नहीं क्लाइंट का पैसा मारने का नहीं क्लाइंट का पैसा मिसयूज़ करने का नहीं ठीक है ये समझ में आ चुका है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं बवाल फिर बताइए सर फिर है क्लॉज टू ये ज़्यादा नहीं है यहाँ पर है चार क्लॉजेस एक दो तीन चार एंड क्लॉ एंड पार्ट थ्री में है एक ही क्लॉज ठीक है तो चार क्लॉजेस फटाफट कर लेंगे पार्ट टू में चार क्लॉजेस आ रहे हैं यहीं पे देखो फटाफट क्या है सी एस एक्ट कॉन्ट्रावेंस करने का नहीं एम्प्लॉय हो के कॉन्फिडेंशलिटी ब्रीच करने का नहीं क्लॉज टू क्लास थ्री में इंस्टीट्यूट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का नहीं क्लॉज फोर में क्लाइंट का पैसा मानने का नहीं यहाँ पर भी है क्लाइंट का पैसा मानने का नहीं और यहाँ पर भी है क्लाइंट का पैसा मिसयूज़ करने का नहीं मतलब एक तो आपने मिसयूज़ किया वो अलग चीज़ होता है मिसयूज़ करना एंड क्लाइंट का पैसा मानने का इट्स लाइक यू हैव यू नो पैसा जो आपको मिला है क्लाइंट से वो आपने मान रखा है ऐसा नहीं करने का पार्ट थ्री में है क्लॉज वन क्लॉज वन कहता है महीने से ज़्यादा जेल जाने का नहीं सिक्स महीने से ज़्यादा जेल जाने का नहीं इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग सिक्स मंथ ठीक है और वो जो हम लोगों ने पार्ट शेड्यूल वन में देखा है ना वो एक्स, एक्स, एक्सीडिंग नहीं है वो अप टू सिक्स मंथ है अगर आपको अप टू सिक्स मंथ का हुआ है तो भैया दिक्कत हो जाएगा उससे ज़्यादा हुआ है दस साल का तो भैया पार्ट शेड्यूल टू में आएगा आपका क्राइम ठीक है ये हो चुका है अपना पूरा पूरा बहुत ब्यूटीफुल 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 मैंने आपको समझा दिया है पूरा पूरा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं भाई मेरे ट्रस्ट में ये काफ़ी है ये काफ़ी है ये नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा या पल्लू अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जो कि है मेगा फार्म्स ये नोट्स मैंने लिख के रखा है ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा तो आपको टेंशन लेने का नहीं है ठीक है ओके okay, तो जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो है मेगा मेगा फर्म्स फर्म्स मेगा फर्म्स के मैंने यहाँ पे नोट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने हाईलाइट करके रखा है आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स ठीक है सबसे पहला टॉपिक है मेगा मेगाफार्म है क्या चीज सर ये बता दीजिए मेगा फर्म है क्या चीज मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म और मेगा फर्म्स वॉट आर दे देखो यहां पर बताया गया कि मेगा फर्म्स कैन बी डिस्क्राइब पार्टनरशिप फर्म विथ मोर देन ट्वेंटी फाइव पार्टनर्स अ फर्म विच प्रोवाइड्स कोर प्रोफेशनल सर्विस अलॉन्ग विथ एंसलरी ऑफ सर्विसेज विथ इक्वल कंपीटेंस अंडर वन रूफ इज अ मल्टी फर्म मतलब पकड़ लो सी ए सी एस सी एम ए तीनों एक फर्म के अंडर आ चुके हैं ठीक है थेके? तो तो बेटर है ना भाई मेरे किसी एक क्लाइंट को अगर सीए की का ज़रूरत है तो इसी फॉर्म में आने से चल जाएगा सी का जरूरत है तो इसी फॉर्म में आने से चल जाएगा सी का जरूरत है तो इसी फर्म में आने से चल जाएगा तो उस प्रकार के फर्म्स को हम लोग कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म्स फॉर एग्जाम्पल कंपनी एंड कॉरपोरेट लॉ इज़ कोर नॉलेज फॉर कंपनी सेक्रेटरी हव दे कैन अक्वायर एक्सपर्टीज इन एनी अदर एरियाज़ लाइक डायरेक्ट इन टैक्सेशन लेबर लॉ इकोनॉमिक्स लॉ एक्सेट्रा एंड दे मे बी इन पोजिशन टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो बिजनेस सोल्यूशन ठीक है मे बी टू प्रोवाइड अ सिंगल विंडो बिजनेस सोल्यूशन मतलब एक रूफ के अंदर सब प्रकार के सोल्यूशंस आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इस प्रकार का चीज़ है कंपनी सेक्रेटरी भैया उनका तो कोर ही है कोर क्या है बताइए ना उनका तो कोर ही है कॉरपोरेट लॉ है ना उसके अलावा वो लोग बाकी सर्विस भी दे सकते हैं जैसे कि डायरेक्ट एंड इंडायरेक्ट टैक्सेशन का ज्ञान लेबर लॉ का ज्ञान ठीक है इकोनॉमिक लॉ एक्सेट्रा ये सारे एंड नॉट जस्ट दिस आप बाकी लोगों के से मिल के भी आप बना सकते हो एक मेगा फार्म जैसे सी ए सी ए सी एम ए मिलकर भी मेगा फार्म बन सकता है ठीक है वॉट आर द प्री रिक्विजिट्स ऑफ एम डी एफ ये मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म ये जो है ना ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है ठीक है तो मैं फिर से बता दूं अच्छे से कर लेना ये बोले कि एम डी एफ इज अ ज्वाइन एंड कोलाबरेटिव वेंचर अमॉन्ग इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल देयर फॉर एवरी वन इज विशिंग टू ज्वाइन हैंड शुड अंडरस्टैंड दैट ठीक है उनको समझना होगा जो पार्टनर्स है उनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझना होगा तब जाके इनका फर्म जो है अच्छे से बन पाएगा कि ऑल माइंड शुड वर्क टुगेदर एंड इन यूनियन से नो टू ईगो मल्टी म्यूचुअल फेथ एंड रेस्पेक्ट ले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इनानिटी शैल बी रूल ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीशंस ठीक है मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी होंगे सब मिलके वोट करेंगे उसके ऊपर फिनंशियल डिसिप्लिन इज अ मस्ट फाउंडर पार्टनर शेल बी गिवन इक्वल स्टेटस ठीक है इनकम ऑफ द फर्म शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट शॉर्ट रेगुलर इंटरवल्स वन शेल नॉट पुट अन इन्फ्लुएंस ऑन द अदर और शो दैट दैट ही इज द किंग पिन ऑफ द एसोसिएशन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए एक राजा है फर्म में ऐसा नहीं हो सकता एक राजा है है ना आपको दिखाना होगा सब सभी लोग इक्वल है इवन द स्मॉल क्रैक इन द अब स्टेटेड रू एन द थिंग तो यहाँ से कोई भी एक भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो आपका पूरा मल्टी डिसम्लिन फॉर्म जो है तहस नहस होकर चूर चूर हो जाएगा ठीक है वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ एम डी एफ बोले वर्किंग इन अ टीम इन्वायरमेंट एक्सपोजर टू डिफरेंट एंड वेरियस वर्क कॉस्ट इफेक्टिव है एक्सेप्शनल ट्रेनिंग एंड ऑन बोर्डिंग कॉन्टीन्यूअस लर्निंग बिग ग्रोथ ऑपरचुनिटीज रेवेन्यू शेयरिंग स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस फिर कॉरपोरेट एंड इंडस्ट्री परसेप्शन है मिलेगा आपको ठीक है ना रेप्यूटेशन एंड रिस्क एडजस्टेड वैल्यू तो ये सारे आपके रह जाएंगे बेनिफिट जो आपको लर्न कर लेने हैं वॉट आर द रिस्क ऑफ एम डी एफ है कि मोर कॉस्ट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डोमिनेंस ऑफ सीनियर पार्टनर्स डिफाइंड एग्जिट रूट इन डिफिकल्टी ठीक है डिफाइनिंग एग्जिट रूट इज डिफिकल्टी मतलब एग्जिट कैसे हो इससे तो वो डिफ़िकल्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में लीड टू डिस्प्यूट्स इफ़ करैक्ट डेवलप्स इन म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट एवरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पार्टनर्स तो ये सारे आपके याद कर लेने होंगे ठीक है जैसे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो बिजनेस जो है उसमें जो भी चीज़ें लगते हैं ना यहाँ पर सेम टू सेम है ठीक है तो आप उस प्रकार से इमेजिन कर सकते हो है ना चलो वट आर दी मेजर मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाई एम डी एफ एक है ऑपरेशनल फंक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ह्यूमन रिसोर्सेज क्लाइंट रिलेशनशिप पब्लिक रिलेशनशिप एंड ब्रांड बिल्डिंग इन सब में मेजर मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस करना पड़ता है एम डी एफ को अच्छा एक्सप्लेन द रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल ऑफ एम डी एफ ये क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन को भी आया है ये क्वेश्चन अच्छा ये एक्सप्लेन द रेवन्यू शेयरिंग मॉडल ऑफ एम डी एफ सिंपल बात की यार ये एम डी एफ जो है ये रेवेन्यू कैसे शेयर करते हैं तो सीधे बात है कि देखो अच्छे से पार्टनर पार्टनर देखो ना पार्टनर पार्टनर ओहो पार्टनर मेरे ओ पार्टनर डी यू आना पार्टनर पार्टनर ब्रिंगिंग न्यू क्लाइंट शैल बी गिवन रेफरल और इंडक्शन से शेयर एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट ऑफ द फीस सेटल्ड एंड रिसीव्ड इट इट कैन बी फॉर द फर्स्ट ईयर और फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स मतलब अगर आप नए नए क्या लाओगे बताओ ना क्लाइंट्स लाओगे तो उसके ऊपर जो भी इनकम होगा पंद्रह परसेंट आपको मिल जाएगा ठीक है सर्टेन परसेंटेज ऑफ फीस सेज फिफ्टीन परसेंट शेल बी रिटेन इन बिजनेस इन कॉमन पूल फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ठीक है पंद्रह परसेंट का जितना जो भी आपका कमाई होगा टोटल सारे पार्टनर्स का वो हम लोग बिजनेस में स्टोर करके रखेंगे सो द बिजनेस का एक्सपेंस हम लोग क्योर कर पाए सेवेंटी परसेंट ऑफ द फीस शेल बी गिवन टू दार्टनर और पार्टनर्स हुक्चुअली वर्क ऑन द असाइनमेंट than one partners are involved in an इज is an assignment, कैन can be determined based on respective role. For example, एक सी एस है फॉर एग्ज़ाम्पल एक सी है उसने हमारे फ़र्म में काम लाया ठीक है वो मेरा पार्टनर ही है तो उसने लाया है एक काम जो कि मेरे को करना है तो मेरे को सेवेंटी सेवेंटी परसेंट तो मिल ही जाएगा पूरा पूरा ठीक है बाकी फिफ्टी परसेंट फिफ्टीन परसेंट उसको दे उसने काम लाया तो उसको फिफ्टीन परसेंट दे देंगे फ़िफ्टीन परसेंट हम रख लेंगे बिजनेस के लिए तो इस प्रकार से हंड्रेड हो जाएगा हो, हो जाएगा राइट हंड्रेड हो रहा है ना सेवेंटी यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टीन और यहाँ पे फिफ्टीन कितना हो रहा है हाँ जी हंड्रेड हो चुका है राइट तो ये है बात एट द ईयर एट द ईयर एंडिंग आफ्टर मीटिंग एक्सपेंसिज रिजल्ट प्रॉफिट शड बी शेयर इन प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इन द ग्रॉस अर्निंग नेट प्रॉफिट तो ईयर खत्म होने के बाद प्रोपोर्शनली हम लोग डिवाइड कर लेंगे जो भी प्रॉफिट बच जाएगा इंटरनलीफिक डिफरेंट वर्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड एंड सरप्लस जनरेटेड बाई ईच वन कैन बी एसेस्ड एज एन इंडिपेंडेंट कॉस्ट सेंटर ठीक है तो uh, हम लोग जो भी तो ये इतना आप याद रखो दिस इज मोर देन ये आप याद रख लो दिस विल बी तो यहां पर बोले कि देखो कोई भी पर्टिकुलर हम लोग देखो आ, काम कर रहे हैं ना तो उसमें सरप्लस अगर जनरेट हो रहा है ठीक है सरप्लस अगर जनरेट हो रहा है सरप्लस क्रिएट हो रहा है सरप्लस कॉस्ट हो, हो रहा है तो हम लोग उसको इंडिविजुअल भी संभाल सकते हैं अगर इंडिविजुअल किसी इंसान का एक्स्ट्रा कॉस्ट जा रहा है तो उसको हम लोग इंडिविजुअल भी संभाल सकते हैं तो ये है इंटरनली Different verticals can be created and surplus generated by each one can be assessed as an independent cost center. ठीक है अच्छा इतना आप याद रखो दिस इज मोर देन सफिशेंट ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन ऑफ एन आस्ट ये क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं और ये लास्ट टॉपिक रहेगा देखो ये बिजनेस विद इन और आउटसाइड इंडिया भी पूछा जाता है ठीक है अच्छा क्वेश्चन आस्क ऑफ एन ये रीड रहेगा ठीक है।, है ये रीड रहेगा रिविजन है लेकिन कुछ तो चीज़ें हैं जो आपको रीड करने के लिए मैं है ना ये मैंने क्लास में भी नहीं करवाया क्योंकि ये रीड है कि हाउ मेनी पार्टनर्स एल एल पी ऑफ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कैन हैव ठीक है हाउ मेनी पार्टनर्स एल एल पी ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कैन हैव

of a company Secretary act 1980 where a company secretary in practice or a firm of such company secretary has more than one office in india each one of such offices must be in separate charges of members of the institute Take application for opening a branch office without a member in the separate चार्ज एट प्लेस वेर देर आर फ्यू और नो कंपनी प्रैक्टिस बाई द काउंसिल ऑन द मेरिट ऑफ इच केस एस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन समझाऊंगा मैं पहले एक बार रीड कर लो द ब्रांच ऑफिस शेल हैव एन इंडिपेंडेंट ऑफिस एंड नॉट इन द ऑफिस ऑफ सम अदर प्रोफेशनल पार्टनर ऑफ द फर्म शेल अटेंड द ब्रांच ऑफिस एट लीस्ट हंड्रेड डेज इन फिनेशियल ईयर हाउ एवर इफ ए कैंडिडेट हैज़ पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग डेज इन दिन ईयर मतलब मैं समझाता हूँ बहुत ही शॉर्टकट में से मैं समझा देता हूँ यहाँ पे फटाफट भाई मेरे देखो अच्छे से अगर आपका ऑफिस है ठीक है इस ऑफिस के बहुत सारे ब्रांचेस है भाई मेरे बहुत सारे ब्रांचेस है कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्रांचेस है तो आपको हर एक ऑफिस में एक कंपनी सेक्रेटरी बिठाना होगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझ में आ चुका है सर कश्मीर में कंपनी सेक्रेटरीज बहुत कम है क्या किया जाए तो देखो सुनो अगर ऐसा है तो आप किसी दूसरे इंसान को बिठा रहे हो ठीक है दूसरे इंसान को बिठा रहे हो एनी अदर पर्सन उसको अगर बिठा रहे हो तो आपको काउंसिल से पहले परमिशन लेना होगा काउंसिल ने परमिशन दे दिया तो वो बिठा सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं ले। लेकिन दो चॉइस है आपके पास किसी दूसरे इंसान को बिठा रहे हो या फिर कुछ किसी ए, किसी ऐसे इंसान को बिठा रहे हो जिन्होंने कम से कम इंटरमीडिएट प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखा हो सी का ठीक है इंटरमीडिएट प्लस ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखा हो अगर ऐसे इंसान को बिठा सकते हो या फिर किसी दूसरे इंसान को बिठा सकते हो किसी दूसरे इंसान को अगर बिठाया आपने तो जो इस ऑफिस के पांच पार्टनर्स हैं ना इन पार्टनर से किसी में से कोई एक पार्टनर तो कम से कम साल में सौ दिन विजिट करना होगा इन ब्रांच ऑफिस को सौ दिन आपको विजिट करना होगा इन ब्रांच ऑफिस वेयर देर इज़ एनी अदर पर्सन और जो जिसको और जिन्होंने पकड़ लो यार आ, इंटर इं, इंटरमीडिएट क्लियर कर रखा हो प्लस ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रखा हो तो उनको कम से कम उनको भी जाना है इस पार्टनर को जाना है इन इस ब्रांच ऑफिस में भी उनको विजिट करना है लेकिन उसमें सिक्सटी डेज़ करना होगा सौ सौ दिन नहीं करना होगा सिक्सटी डेज और यहाँ पे हंड्रेड डेज दैट इज़ इट समझ में आ चुका है कोई दिक्कत वाली बात नहीं बवाल इतना ही याद रखो आप और एक चीज अगर ये जो परमिशन होगा ना जो काउंसिल देगा वो दो साल के लिए वैलिड रहेगा ठीक है को तो अप्रूवल लेना होगा इतना ही है भाई मेरे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है आ, बाकी जो है इट इज वेरी इजी मेगा फार्म्स कंप्लीट हो चुका है मेगा फार्म्स में कुछ है ही नहीं एग्जामिनेशन में आएगा क्वेश्चन तो मेगा फार्म्स एंड उसमें से आएगा ठीक है और एक है जो कि है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड जो ये है मैं आपको दिखा देता हूँ तो फटाफट ओके okay. ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड जो कि है चैप्टर ट्वेंटी टू ये मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स को इसमें से पढ़ने का कोई 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 ज़रूरत नहीं है थोड़ा बहुत रीड अगर आपको करना चाहते हो आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे कि फंक्शंस क्या है ठीक है आ, ये नॉर्मली रीड कर सकते हो ऐसा कुछ मतलब जान लगाकर कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं यहाँ से क्यों मैं आपको बता दूँ जो कुछ भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में है वो मैंने ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर रखा है मतलब सेम चीज़ है बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने का प्रोसीजर सेम सेम चीज है जो आपको यहाँ पे मिलेगा जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है तो सेक्रट्रियल स्टैंडर्ड अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं होता तो कभी भी जिंदगी में यू डोंट हैव टू स्टडी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड अलग से सेक्रेट्रियल स्टैंडर्ड हमेशा आपके नोट्स के साथ ही पढ़ना होगा और जो मैंने वीडियो लेक्चर्स दे रखा है वहाँ पर मैंने सेक्रट्रियल स्टैंडर्ड घुसा घुसा के घुसा घुसा के जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पर मैंने बता रखा है तो ये अलग से पढ़ने वाला चीज़ नहीं है ये सेम चीज़ है एप्लीकेबिलिटी मीटिंग ऑफ कम्युनिटीज़ क्या क्या, क्या कमेटी चाहिए ऑडिट कमेटी नॉमिनेशन वोमेशन कमेटी सी एस आर कमेटी स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ठीक है डेफिनेशंस वगैरह तो ये सारे यहाँ से पढ़ने का कोई कोई ज़रूरत नहीं है मैं फिर से बता रहा हूँ भाई मेरे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपको सीधा जैसे आप पढ़ोगे आपके आई आई के मेटेरियल से वहाँ पर ही रहता है इसको अलग से इस चैप्टर को करने का कोई ज़रूरत नहीं रहता है ठीक है तो इस चैप्टर को आप वहीं से करना है और जो वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हो दैट इज मोर देन सफिशियंट उसमें से अलग से आपको एसेस नहीं करना है ऐसा ऐसा अलग से नहीं करना है फिर से मैं बता रहा हूँ ठीक है 21 ये मेगा फर्म्स एंड अपना जो लीगल फ्रेमवर्क है दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ जिसमें से क्वेश्चन बनता है एग्जामिनेशन में इन्हीं से बनता है तो आपको यही कर लेना है बाकी आप कोई भी किसी भी प्रकार का झमेला में मत जाना ठीक है जितना मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में वो करके जाओ दैट इज़ मोर देन सफिशियंट और कुछ अलग से नहीं चाहिए होगा आपको ठीक है तो भाई मेरे आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं नेक्स्ट हम लोग जल्दी एक रिविजन लाएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स का दूसरे पार्ट्स का थैंक यू सो सो मच एवरी वन एवरी वन हैपी लर्निंग एंड टेक केयर